अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरिया सैफ है. प्रोफेशनली आई एम अ कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और पैशनली आई एम रनिंग एन एनजीओ विद द नेम फलाह फाउंडेशन. वंस मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पर एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार अटेंड किया. मुझे पता चला उस दिन कि इन बच्चों को जो कि डिसेबल होते हैं उनको सेग्रीगेट करने से बहुत ज़्यादा इनकी नुकसान पहुंचता है, इनकी हेल्थ को भी, इनकी मेंटल हेल्थ को भी, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी. और जो ब्यूटी है और ह्यूमैनिटी है वो है इंटीग्रेशन, मींस इंक्लूसिव एजुकेशन. हम इनको स्पेशल स्कूल्स में ना भेज दें, इसलिए कि ये बहुत पेनफुल होता है कि व्हेन अ पेरेंट हैज़ अ डिसेबल्ड चाइल्ड. और उनके लिए जब वो उनकी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है और हम उन्हें ये कहते हैं कि आपका बच्चा डिसेबल है जो इस स्कूल के काबिल नहीं है, सो आप इसके स्कूल चले जाएं, स्पेशल स्कूल चले जाएं, तो यहाँ पर मुझे फील होता है कि हम बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं पेरेंट्स के साथ भी और बच्चे के साथ भी. ओवरऑल वट एवर दे आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमैनिटी ये है कि इनको साथ लेके चलें. हम लोग जब सोच रहे थे कि वट शुड बी द नेम ऑफ द फाउंडेशन, आई हर्ड द समन्स ऑफ अजान हैयल अल फलाह, और मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे ये बच्चे कामयाबी की तरफ जाएं. सो आई जस्ट गॉट बैक विद सच एन एक्साइटमेंट कि आई फाउंड द वर्ड, आई फाउंड द टाइटल ऑफ द फाउंडेशन, इट शुड बी फलाह फाउंडेशन. क्योंकि मैं, मेरा जो विजन मिशन इसके पीछे था और वो जो क्लिक हुआ वो यही था कि ये लोग भी अपनी इस डिसेबिलिटी से निजात पाएँ और कामयाबी की तरफ जाएँ. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीइंग लाइक 10 इयर्स नाउ फलाह फाउंडेशन जो है वो अपनी सर्विसेज दे रही है उन बच्चों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते. नाउ 3 बच्चों से मैंने स्टार्ट लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 150 चिल्ड्रन ओवर देयर विद एवरी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, बट वी हैव ऑल्सो एबल ग्रुप. 60% डिसेबिलिटी है और 40% एबल ग्रुप है, लेकिन हम इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लास तक चला रहे हैं इन बच्चों को. और जितनी भी सर्विसेज हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी रिहैबिलिटेशन, इनकी वोकेशनल, टोटली फ्री है. ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री प्रोवाइड की जाती है. सेकेंडली, इनका जो यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी, बुक्स, लर्निंग टूल्स, असिस्टिव डिवाइसेस, वो भी इनको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिन बच्चों को हम स्किल कर देते हैं हम उनको जॉब प्लेसमेंट पे लगाते हैं. मेरा ये मैसेज है कि अकेला बंदा जो है ना वो भाग भाग के थक जाता है. इन सब चीज़ों, इन सब कामों के लिए, नोबल कॉज के लिए हम सबको मिलकर काम करना है.